देवास में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का रोको टोको अभियान जारी है। प्रशासन की विशेष टीम कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों की कोरोना जांच भी कर रही है। 50 लोगों की जांच में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए कोविड सेंटर पहुंचाया गया है। 17 कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जुटा हुआ है। रोको टोको अभियान के अंतर्गत मास्क न पहनने वालों और लापरवाही बरतने व अकारणवश बाहर निकलने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की शहर के मुख्य मार्गों पर चेकिंग टीम लगाई गई है। इंदौर उज्जैन भोपाल के बीच बसे देवास में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पैनी नजर रखी जा रही है। SP डॉक्टर शिवदयाल के सख्त निर्देश पर पुलिस बल जिले भर में तैनात नाकों पर सतत निगरानी कर रही है। विशेष टीम के साथ चेकिंग पॉइंटों पर खुद ADM महेंद्र सिंह कवच मौजूद रहे, जिन्होंने तहसीलदार पूनम तोमर के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम से शाम तक सैकड़ों लोगों के सैंपल लिए। इससे अकारण बाहर निकलने वालों में भय भी बनेगा और कोरोना की जांच से बचने वाले बाहर निकलकर दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार की कार्यवाही को सकारात्मक रूप से सराहा जा रहा है। देखिए, जो लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं, अनावश्यक कोई कारण नहीं है फिर भी घूम रहे हैं, तो उनको समझाइश देने के लिए और कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए शहर में जो कोरोना पॉजिटिव लोग जो घूम रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए हमने शहर में जो है ये इस तरह का सैंपल लेने का काम शुरू किया है। देखिए, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास किया जा रहा है और कोरोना कर्फ्यू को लागू कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज जो है ADM साहब की उपस्थिति में यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और ऐसे लोग जो शहर से किसी कारण से या अनावश्यक कारण से बाहर निकलते पाए जा रहे हैं उनकी रैंडम क्वालिटी टेस्ट किया जा रहा है और अगर कोई व्यक्ति उसमें पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको सीधे यहाँ से कोविड केयर सेंटर भी भेजा जाएगा।